अगर आप ऋषिकेश आना चाहते हैं और बाय एयर आना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्चना झा चौधरीज ब्लॉग। गाइस, आज मेरा बेटा हैदराबाद से देहरादून एयरपोर्ट उतर रहा है और मैं उसे पिकअप करने जा रही हूँ। तो अगर आप देहरादून एयरपोर्ट देखना चाहते हैं तो यह ब्लॉग आपके लिए है। तो चलिए आज ऋषिकेश टू देहरादून एयरपोर्ट ट्रेवल करते हैं। घर से निकलने के बाद थोड़ी दूर पर मैं यहाँ पर पेट्रोल भराने के लिए रुकी हूँ और थोड़ा आगे चलने के बाद अब मैं ऋषिकेश नटराज चौक पहुँच चुकी हूँ। गाइस, यह ऋषिकेश नटराज चौक है। नटराज चौक पर दो चक्री है, यानी जहाँ पे चार राहें हैं, एक देहरादून से आती है और एक ऋषिकेश त्रिवेणी घाट की तरफ जाती है, तीसरा लक्ष्मी झूला के लिए जाती है और चौथा ऋषिकेश रेलवे स्टेशन की तरफ जाती है। तो ये चार रूट यहाँ पर है। तो अब मैं देहरादून के लिए निकल चुकी हूँ। यह ऋषिकेश का फ्लाईओवर है। गाइस, हम देहरादून एयरपोर्ट जा रहे हैं। इस वक्त हम लोग सात मोड़ वाले रूट पर हैं। तो यहाँ पे सात मोड़ आते हैं जिसमें हमें टर्न लेना होता है और आप देख सकते हैं कि दोनों साइड से हरी भरी जंगल है और बीच में यह रूट है। इस रूट पर अक्सर ही बारिश होती है क्योंकि दोनों साइड से हरी भरी जंगल है, घना जंगल है। तो और गाइस, कभी कभी यहाँ पर हाथी भी देखने को मिलते हैं, यानी कि जब हाथी को पानी पीना होता है तो इसके बगल में नदी बह रही है तो पानी पीने के लिए हाथी नीचे उतरता है और यह लोगों के पोखरी है। देहरादून जॉली ग्रांड एयरपोर्ट ऋषिकेश एंड देहरादून के बीच में पड़ता है। तो हम लोग एयरपोर्ट की तरफ टर्न ले चुके हैं। देहरादून एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं। इस वक्त हम देहरादून एयरपोर्ट पर हैं और अब हम अंदर जाने वाले हैं। तो गाइस, अभी जल्द ही फ्लाइट लैंड होने वाली है तो हम लोग अंदर जाएंगे। इससे पहले आप Thank you.
जैसे ही हम यहाँ पर पहुँचे झमाझम बारिश होने लगी। मेरा बेटा उतर चुका है, मैं उसे पिकअप कर चुकी हूँ और मैं अब अपने घर को चल चुकी हूँ। तो इस वक्त मैं अभी एयरपोर्ट से निकल रही हूँ। तो गाइस, यह ब्लॉग आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा और एक लाइक जरूर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलती हूँ एक नई ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।